तो इतना भी याद रखें कि भाई अगर जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आए तो फिर मानहानि का दावा मेरी तरफ से भी होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरेंसर। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। सर, आपके चाचा ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा कि हत्या की साजिश रची जा रही है विरोधी, यानी कि विरोधी तो आप ही हैं। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, बट हाँ, जो भी विरोधी है बहरहाल उसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है कि अगर कोई अगर उन्हें इस तरीके की धमकी दे रहा है, ये उचित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूँगा कि भाई जो भी है जांच हो, सच्चाई सामने आए, और जो भी उनको इस तरीके की धमकी दे रहा है या किसी को भी अगर ऐसी धमकी दे रहा है वो गलत है। आप पर FIR भी हुआ है पटना में? बिल्कुल, उसकी आप जांच करवाएं। बट हाँ, अगर ये सिर्फ मेरा नाम गलत दृष्टि में सिर्फ उछालने की उससे किया गया है तो इतना भी याद रखें कि भाई अगर जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आए तो फिर मानहानि का दावा मेरी तरफ से भी होगा। एक सवाल है कि प्रिंस राज, रक्षाबंधन के दिन आप भी काफ़ी इमोशनल हुए थे, ट्वीट किया प्रिंस राज से, उस दिन हमने बात की थी, वो भी काफ़ी इमोशनल हुए, कहे कि भाई को मिस कर रहा हूँ, उनकी कमी खल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाई तो रही हैं बचपन से हम लोगों ने। इस बार पहली बार था कि जब मैं राखी में मैं अकेला था, उम्मीद थी मुझे कि मेरे परिवार के सदस्य आएंगे, लंबे समय तक हम लोगों ने इंतज़ार भी किया, पर बट बहरहाल ऐसी परिस्थितियां कुछ महत्वाकांक्षाओं की वजह से खड़ी कर दी गई हैं, ये गलत है। आखिरी सवाल है मेरा कि दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी, आपके भाइयों में भी लड़ाई चल रही है, तो क्या मैसेज देंगे आप तेज प्रताप और तेजस्वी, क्या भाइयों को एक आ जाना चाहिए? क्योंकि मैं किसी दूसरे को मैसेज देने वाला कौन होता हूँ। पहले तो मैं अपने ही जिस तरीके से परिस्थितियाँ मेरे परिवार में बनी है उसको मैं अभी सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये थे चिराग पासवान जो कि फिलहाल आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल रहे हैं, अरवल और औरंगाबाद जाएंगे, और उनसे हमने बातचीत की कि पशुपति पारस ने हत्या का जान से मारने की हत्या का आरोप लगाया है विरोधियों पर। तो चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना था कि जो भी हो, जो भी शिकायतें उन्होंने की है उसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। फिलहाल देख सकते हैं कि चिराग पासवान जो है वो अरवल और औरंगाबाद के लिए निकल रहे हैं, और लगातार चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार भर में। इसी क्रम में अमर आजाद जी, जोश हाई है, फिर यात्रा जा रहे हैं? एकदम यात्रा है, हर एक जिला में होगा, हर एक जिला में यात्रा, कोई फंसाने का प्रयास करेगा हम लोग मानने वाले नहीं है। हम लोग बिहार की जनता की सेवा के लिए आज जनता की सेवा करते रहेंगे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। चिराग पासवान के नेतृत्व में जनता की सेवा हम करते रहेंगे। फिलहाल विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए चिराग पासवान की गाड़ी है वो जा रही है, फिलहाल औरंगाबाद जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।